हे गाइस वेलकम बैक एंड कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोग दुआ और शायद प्यार की वजह से गाइस मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सुबह की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और आज ना बहुत जल्दबाजी में हूँ। एक्चुअली क्या था कि सुबह से बारिश हो रही थी तो मेड भी घर पर नहीं आई थी और मैं जल्दी से काम वाम कर के नहा धोकर चली गई थी शालवी को स्कूल से लाने के लिए। और आज हमारे घर में आने वाले हैं मेरे सास ससुर और 2:30 बज चुका था और मम्मी पापा जी आ चुके थे। हस्बैंड वहीं अपने ऑफिस से जाकर उनको स्टेशन से पिकअप कर चुके हैं और घर पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं उनको रिसीव कर रही हूँ अपने घर में। और ये हमारा जो नया फ्लैट है, जब हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने मम्मी पापा को घर में बुलाया जाए और उन्हें भी दिखाया जाए कि हम लोग कहाँ रहते हैं। और थोड़े घर में ना अच्छी वार्मथ आ जाती है अगर आपके गार्जियन पेरेंट्स आते हैं ना, तो बहुत अच्छा एक सुकून मिलता है घर में। तो यहाँ पे मैं उनकी हॉस्पिटैलिटी कर रही हूँ और ये वाली व्लॉग है सेकेंड डे की। और जैसे कि वेनेसडे को उन्होंने वो लोग आए थे और थर्सडे को मैं स्किप करके फ्राइडे से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शालवी की जिद थी कि मेरे साथ दादी भी चले मेरे स्कूल, तो दादी को भी स्कूल लेकर जा रही है और मैं फर्स्ट सीट पर बैठ के उनकी थोड़ी सी मोमेंट कैप्चर कर रही हूँ ताकि उन्हें आगे जाकर याद रहे कि मेरी दादी मेरे साथ आई थी स्कूल में। तो मैं शालवी को यहाँ पर बुला रही हूँ। शालवी यहाँ जिद करिए कि आप भी मेरे साथ क्लासरूम में चलो। बैग लो। तो स्कूल से लौटते वक्त मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मुझे सुपरमार्केट में छोड़ दीजिए, कि एक्चुअली मुझे चाहिए था पानी जिससे मैं खाना बना सकूं। और मेरे घर में ना अभी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है पानी, पीने वाली पानी की। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो हम लोगों ने केंट को इंस्टॉल करवाया था, फिर उसके बाद ना बहुत सारा उसमें कॉम्प्लिकेशन आ गया तो केंट बंद पड़ा है। तो यहाँ पर पानी लाने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में घुस गई। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ इडली और सासू माँ की विश थी कि मैं इडली बनाऊँ और उनको खिलाऊँ। एक्चुअली पिछले दिन मतलब थर्सडे को मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी तो उन्होंने बोला था कि स्पेशली कि तुम इडली बनाना है किसी दिन, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी बना दूँगी। और आज घर में पानी की किल्लत भी है तो इसमें थोड़ा कम ही पानी लगता है। दही और साथ में पानी मिक्स कर देते हैं चावल के आटे में, उड़द दाल के आटे में, तो ये इजली बन भी जाता है और टेस्ट भी अच्छा रहता है और सुबह के नाश्ते के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं आज इडली बना रही हूँ, साथ में सांभर बनाऊँगी और पीनट्स की चटनी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और साथ में मैं उसके अंदर डालूँगी जो इडली के कंटेनर होते हैं, तो उनमें ऑयल ग्रीस करके उसके ऊपर इडली के बैटर डालूँगी। और यहाँ पे मेरी इडली के बैटर जो है ना वो थोड़ी सी थीक थी जिसकी वजह से वो फ्लफी नहीं बन पाएगा, तो मैंने थोड़ा पानी डाला और फिर उसको विस्क किया। एंड एक साइड आप देख रहे होंगे कि तवे पे कुछ रखा हुआ है, तो ये मैंने मीठा वाला छाछ बनाया था शालवी को, आटे की छाछ होती है, लेकिन उसको मैं बोलती हूँ शालवी से कि ये पैनकेक है और वो पैनकेक ही समझती है। एक्चुअली होता भी है लेकिन उसमें फ्लफीनेस नहीं होती ना, जिसके अंदर ईस्ट वगैरह नहीं डालते हैं तो फ्लफी नहीं होता, तो वो एक साइड मैंने वो बनाया था। और यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ जो कंटेनर है इडली की उसके अंदर, ताकि वो ग्रेज हो जाए और इडली चिपके ना, इडली का जो बैटर है वो ना चिपके और इजली निकल जाए। मेरे पास और भी कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं था तो मैंने सरसों ऑयल ही यूज कर लिया है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसे मैंने थोड़ी सी हाई फ्लेम पे रखा, फिर थोड़ी देर के बाद लो फ्लेम पे रखा है। एंड एक साइड मैं कर रही हूँ अपना सांभर के लिए कुछ जुगाड़। और ये देख सकते हैं ये नारियल पानी फोड़ कर दे रही हूँ या काट के दे रही हूँ पता नहीं, क्योंकि एक साइड ना मतलब जो नारियल रखा हुआ है ना वो बेकार हो गया था। हम लोगों ने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया था और वो काट मतलब कितना भी हम लोग कोशिश कर रहे थे उसमें से पानी निकल नहीं रहा था, अंदर वाली लेयर थी वो हार्ड हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं सांभर बनाने के लिए दाल को धो चुकी हूँ, कुकर में डाल चुकी हूँ। देन यहाँ पे लौकी वगैरह डाल के इसे एक सीटी लगाऊंगी और ज़्यादा पकाऊंगी नहीं। और फिर उसके बाद मैं प्याज व्याज डाल के, कड़ी पत्ता डाल के सबका छौंका लगाकर सांभर रेडी करूँगी।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इडली को बार बार चेक भी करना पड़ता है कि ये बना या नहीं बना। लेकिन एक बात है कि इडली का मतलब मैं ना बना कर छोड़ दे बैठा कर छोड़ देती हूँ कि मुझे मतलब ऐसा नहीं रहता कि ये जल जाएगा। एक्चुअली पानी थोड़ा ज़्यादा डालो तो वो कितना भी पानी मतलब रहे वो अच्छा ही बनेगा। तो ये देख सकते हैं मैं सिनेमैटिक वीडियो एंड यहाँ पे इडली जो है वो रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लफी है एंड बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी था। तो अभी हस्बैंड को ऑफिस जाने में टाइम था तो मैंने सोचा कि थोड़ा घर की हालत ठीक कर लिया जाए। सोफे पे सब लोग बैठते तो सोफ़ा जैसे कि तैसे मतलब हो चुका है तो उसको मैं ठीक कर रही हूँ और यहाँ पर पापा जी आके बैठ गए। मैं यहाँ पर ना मैं अपना टेबल ठीक कर रही थी तभी दूध आया तो दूध लिया और फिर टेबल को साफ किया। फिर उसके बाद मैं किचन में एक बार जाके देख ली कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए और फिर इस रूम में आके इसकी साफ सफाई करने लगी। और इसी रूम में मैं मेरे हस्बैंड रहते हैं, मैं अपना वाला रूम दे चुकी हूँ अपने पापा जी को मम्मी जी को और शायद मैं शाली भी सोती हूँ उसी रूम में। फिर मैं इस किचन में आ गई हूँ, सबके लिए नाश्ता सब कर रही हूँ। पापा जी नहाकर आ गए थे तो उनको नाश्ता दे रही हूँ। फिर मम्मी को भी बोला कि आप भी खा लीजिए तो उनके लिए भी मैं नाश्ता निकाल रही हूँ। तो एक तरफ मैंने दाल की सॉरी सांभर की कटोरी रखी है, फिर पीनट की कटोरी रखी है पीनट चटनी की, फिर इडली रखा। तो ये पापा जी नाश्ता करके पीछे सोफे पर जाके लेट चुके हैं और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के नाश्ता पैक कर चुकी हूँ और फिर मैंने खुद खाया। और मैं ना ऐसे ही खाती हूँ, मैं सबको बहुत अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट देती हूँ और खुद को मतलब छोटी सी एक प्लेट में लेकर। ठीक है, अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और शालवी को लाने जा रही हूँ। सबका नाश्ता वास्ता हो गया है और काफ़ी लेट हो गया है। शालवी की छुट्टी जो होती है 12:20 में हो जाती है और मैं आज लेट हो गई हूँ। शायद ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सब देखना पड़ेगा। तो आज दूसरे वाले रास्ते से जा रही हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग है वहीं पर शालवी का स्कूल है तो काफ़ी दूर है। उस वाले रास्ते से जाना होता है, उस रास्ते में ऑटो मिलती है बट कभी कभी मिलती है। इसी रास्ते से जो ऑटो जाती है ना उस लेन में तो वो मिल जाती है लेकिन अभी मिलेगी नहीं, इसलिए मैं ये वाला रास्ता चूज की हूँ और देखते हैं कब तक चल पाते हैं, कब तक ऑटो ले पाते हैं। बेटी के लिए तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और आगे जाते हैं जल्दी जल्दी। एक ऑटो मिला भी था तो बीच में ही छोड़ दिया, फिर एक ऑटो ढूंढना पड़ेगा। हम बस आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए हैं, आधा डिस्टेंस और है। वो रहा मेरा बिल्डिंग, वहाँ से इतना दूर आना पड़ा। और इस रूट में ऑटो मिलेगा ही नहीं, एक ऑटो जा भी रहा है तो पता नहीं।
क्या बोल रहे क्या लाओ तो पानी निकालना है पानी खाना है नहीं पानी निकालना है पानी निकालना है नहीं पानी तो यही था चला गया एक का लेके आई का लेके गई फिर शाम के टाइम में पापा मम्मी गए थे बाहर और उधर से उन्होंने लिया है पानी पूरी क्योंकि उनको पता है कि उनकी बहू चटोरी है। पानी पूरी मुझे बहुत पसंद है और बहुत दिन से आई हूँ यहाँ पे, पानी पूरी कहीं दिखता नहीं था, तो सबकी प्लेटें लगाते हैं फिर मिलते हैं। अपना बुक लेकर आओ, अपना बुक नो, पेंसिल बॉक्स लेकर आओ नो, लंच बॉक्स दिखाओ क्या खाई हो नो, लंच बॉक्स लाओ सर भी भूत दिखाएंगे। लंच खोल के दिखाओ, लंच करती हो सर भी कितना दिखा रख के आप किचन में डाल क्या इसका जाएगी बा कंटिन्यू